दोस्तों, बिना लक्ष्य के जीवन ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे बिना पता लिखा हुआ लिफाफा जो कभी भी अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए आप लोग हमेशा लक्ष्य बनाकर ही आगे बढ़ें, लक्ष्य बनाकर ही तैयारी करें ताकि आप अपने मुकाम को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मैं संजय कुमार विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका द एजुकेशनल राज चैनल पर। चलिए, हिंदी के उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे क्रिया, और आज आपको हम क्रिया का एक इतना छोटा ट्रिक बता रहे हैं पहचानने का कि आप वाक्य पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तब तक उसमें बता देंगे कौन सी क्रिया है। इतना आसान ट्रिक है, देखिएगा, बहुत आसान। पहले देख लीजिए क्रिया क्या है। क्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा आपको बहुत बार बताया गया होगा, आप पढ़े होंगे कि किसी शब्द से जब किसी कार्य का होना या किया जाना पाया जाए तो उसे हम क्रिया कहते हैं। इस पे समय ना बिताकर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्रिया के क्या आगे क्या है। पहली बात तो क्रिया पूछा जाता है इसके भेद कितने हैं, कितने प्रकार का होता है। तो याद रहे क्रिया मुख्यतः दो प्रकार का है। क्रिया कितने प्रकार का, दो। कौन कौन सा? पहला है सकर्मक क्रिया, और दूसरा है अकर्मक क्रिया। एकदम आसान, पहली क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया, और दूसरी अकर्मक क्रिया। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। देखिए आपको ट्रिक जो बताना है, एकदम आसान ट्रिक है। पहला ट्रिक देखिए, बताएं आपको, जब किसी वाक्य में दो शब्द, याद रखिएगा क्या दो वाक्य, दो शब्द है, ध्यान देना आपको, एक है क्या और दूसरा है किसको। यही दो शब्द लगाने पर अगर उत्तर आपको मिल जाए तो सकर्मक क्रिया है। अगर यही दो शब्द लगाने पर अगर उत्तर आपको ना मिले तो अकर्मक क्रिया है। विशेष पहचान है क्रिया के साथ, यही दो, जैसे क्रिया के साथ ही आप प्रश्न लगाइए, यही दो शब्द लगाइए, क्या और किसको। अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। जैसे देखिए लिखा है राम आम खाता है, वाक्य है राम आम खाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्रिया क्या है, खाना, और कर्ता आपको वाक्य में पता है, ये कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया है। तो एक तो पहचान आपका ही है, जहां कर्म हो वहां सकर्मक क्रिया, कर्म है सकर्मक क्रिया, जहां कर्म ना हो अकर्मक क्रिया। लेकिन विशेष ट्रिक जो आपको बता रहे हैं, कहीं कहीं वाक्य में पता नहीं चलता कर्म है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, वाक्य में इसी क्रिया के साथ प्रश्न बनाइए, क्या और किसको लगाकर जो सही उचित हो। तो मान लीजिए खाता क्रिया है, तो हम जब प्रश्न बनाएंगे तो लिखा जाएगा राम क्या खाता है, शब्द दोनों में से प्रयोग कीजिए किसी एक का। तो यहां प्रयोग किया गया क्या, राम क्या खाता है, तो उत्तर हमें क्या मिला, आम। अगर उत्तर मिल गया तो कैसी क्रिया हो गई, सकर्मक। फिर वही अगला देखिए, इसी जगह लिखा गया राम दौड़ता है। अब यहां देखिए लिखा राम दौड़ता है, अकर्मक क्रिया में आपको बता रहे हैं, वही ट्रिक, यही शब्द आप यहां लगाइए, क्रिया के साथ प्रश्न बनाइए, यही जो दोनों में से जो सही बैठे, क्या और किसको में से लगाइए। तो यहां हम जब प्रश्न इसे बनाएंगे तो प्रश्न बनेगा राम क्या दौड़ता है, वाक्य भी शुद्ध नहीं हुआ। क्या कोई उत्तर मिलेगा क्या लगाने पर, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, आप लगा के देख लीजिए, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। जब कोई उत्तर ना मिले क्या और किसको लगाने पर क्रिया के साथ, तो कैसी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। एकदम आसान ट्रिक है। और एक ट्रिक और है, वो भी आप पहचान सकते हैं, दूसरा ट्रिक ये है, देखिए वो भी एकदम आसान है। जब क्रिया के पहले जो शब्द आया है वो किसी कोई संज्ञा ही होगा, जब संज्ञा है तो वो संज्ञा अगर खराब होने वाली हो, खत्म होने वाली हो या कम होने वाली हो, तो कैसी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। वाक्य में जो क्रिया आया उसके पहले का शब्द अगर खराब होने वाला हो, कम होने वाला हो और खत्म होने वाला हो, तो कैसी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया।
और अगर क्रिया क्रिया का पूरा भार सीधे कर्ता पर पड़े तो कैसे क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। दो ट्रिक यही है, दोनों से आप पहचान सकते हैं। यहाँ दौड़ने का सीधा भार किस पे पड़ रहा है? राम पर, जो कर्ता है, इसलिए कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। और वाक्यों में देखिए दोनों ट्रिक हर जगह काम करेगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा गया मोहन दूध पीता है। वाक्य लिखा गया मोहन दूध पीता है। प्रश्न हम बनाते हैं, पहला ट्रिक ये प्रयोग करते हैं, क्या और किसको लगाकर हम प्रश्न बनाए, इसे मोहन क्या पीता है, तो उत्तर क्या मिला? दूध है। जब उत्तर मिल रहा है तो यहाँ पीना कैसी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया हो गई। और आगे देखिए, आगे जैसे लिखा गया श्याम हंसता है, लिखा गया श्याम हंसता है। अब वाक्य जो लिखा गया, यहां हमने पहला ट्रिक क्या बताया, यहां पहला ट्रिक काम किया। यहां पहला ट्रिक देखिए, क्या और किसको लगाने पर उत्तर मिलेगा? श्याम क्या हंसता है, वाक्य अशुद्ध हो गया। और क्या उत्तर कोई मिलेगा? क्या हंसता है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए कैसी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया हो गई। पहला ट्रिक दोनों पे सफल रहा। फिर दूसरा ट्रिक जो आपको बताए हैं उसका प्रयोग करिए। हमने कहा कि जब क्रिया, दूसरा ट्रिक है, क्रिया के पहले का जो भी शब्द है वह कम होने वाला, खत्म होने वाला, खराब होने वाला हो तो हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। तो दूध कम होने वाला भी है और खत्म होने वाला भी है, खराब होने, तीनों गुण इसमें पाए गए हैं, तो इसलिए कैसी क्रिया है? सकर्मक। और हमने यहाँ बताया ट्रिक कि जब क्रिया का पूरा भार सीधे कर्ता पर पड़े तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ क्रिया का पूरा भार किस पर पड़ा है? श्याम पर, इसलिए कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अच्छा, अब परीक्षा में देखिए आपको फंसाने के लिए कैसे देते हैं। जैसे दे दिए, लिखा गया आपको परीक्षा में भ्रमित करने के लिए वाक्य बनाया गया, राम सड़क पर दौड़ता है। अब कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग भ्रमित होकर सड़क पर कर्म मानकर इसे सकर्मक क्रिया मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, केवल आपको भ्रमित किया गया है। तो यहाँ आप दोनों ट्रिक प्रयोग कीजिए। पहला ट्रिक हमने क्या बताया है, क्या और किसको लगाइए, क्या उत्तर मिलेगा? राम क्या दौड़ता है, तो उत्तर मिला सड़क पर, क्या सही है? गलत है। और किसको लगाइए तो वो भी गलत आपका आएगा, इसलिए कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। और दूसरा ट्रिक हमने बताया, जब क्रिया का पूरा भार किस पर हो? कर्ता पर हो, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। दोनों ट्रिक आपका सफल रहेगा, तो ये कौन सा क्रिया कहलाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगा। और जैसे भ्रमित किया गया आपका, लिखा गया श्याम तेजी से हंसता है, वाक्य लिखा गया राम तेजी से, केवल भ्रमित करने के लिए ऐसे वाक्य दिए जाते हैं, तो यहां जो भ्रमित करने के लिए शब्द बढ़ाया गया, यहां हम दोनों ट्रिक प्रयोग करेंगे। दोनों आपका, दोनों में से आप यही निश्चित आप निष्कर्ष निकालेंगे कि ये कैसे क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रयोग करके देख लीजिएगा परीक्षा में। और जैसे दे दिया भ्रमित करने के लिए ही, पंछी आकाश में उड़ते हैं, वाक्य दे दिया, तो यहां भी वही कार्य हो रहा, भ्रमित करने के लिए, क्या और किसको लगाएंगे तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं, वाक्य अशुद्धि हो गई, कोई उत्तर भी नहीं मिला, इसलिए कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। और दूसरा ट्रिक, क्रिया का पूरा भार जो क्रिया हो रही है सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। एकदम आसान है, दोनों ट्रिक जो आपको बताया गया है उसी से आप परीक्षा में आसानी से पहचान सकते हैं। मित्रों, क्रिया के और अन्य भेद भी हैं जो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिलहाल इतना याद रखिएगा, ध्यान आपको यही देना है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। क्रिया के और जो अन्य भेद हैं वो प्रयोग के आधार पे हैं, उसके 6-7 भेद और अन्य हैं जो अगली वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।